ब्रॉक लेसनर निकले रे मिस्टीरियो के शिकार पर, एनएक्सटी के रेसलर्स ने किया स्मैकडाउन पर इन्वेजन और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस, आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया थी। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों हमें बहुत सी ऐसी थिंग्स देखने को मिली है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होने के साथ साथ बिल्कुल शॉकिंग भी थी। तो गाइस बात के लिए स्मैकडाउन की शुरुआत की, सो स्मैकडाउन की शुरुआत हुई दोस्तों रेने यंग टॉम फिलिप्स की कमेंट्री के द्वारा, जहां दोस्तों दोनों ये चीज बताते हैं कि आज माइकल कोल और कोरी ग्रेव्स नहीं होंगे क्योंकि सऊदी से फ्लाइट्स हो चुकी है लेट यानी कि डिले, और उसी के चलते बहुत से स्टार्स भी आज आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि ब्रॉक लेसनर अपने एडवोकेट यानी कि पॉल हैमन के साथ रिंग में एंट्री मारते हैं। यहां दोस्तों पॉल हैमन ब्रॉक लेसनर की तरफ से एक प्रोमो काटते हैं जहां पॉल हैमन कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने क्राउन ज्वेल के अंदर अपनी डोमिनेंस साफ दिखाई, जहां उनके लिए काफी मॉन्यूमेंटल पल तब आया जब उन्होंने केन वेलास्केज को हरा दिया। यहां दोस्तों उनकी बातों में कहीं ना कहीं दुख भी झलक रहा था, और वो दुख तब सामने आता है जब पॉल हैमन ये चीज कहते हैं कि उन्हें काफी ज्यादा अच्छा वहां लगा जब उन्होंने अपने क्लाइंट को जीतते हुए देखा, लेकिन बीच में आ गया रे मिस्टीरियो जिसने कर दिया अटैक। जिस पर हमें ये चीज देखने को मिलती है कि वो अटैक दिखाया जाता है बिग स्क्रीन के ऊपर, जिसके बाद पॉल हैमन कहते हैं कि उन्होंने यानी कि ब्रॉक लेसनर ने विंस मैकमैन से गुजारिश की थी कि उनके सामने रे मिस्टीरियो को फेंका जाए यानी कि रे मिस्टीरियो वर्सेस ब्रॉक लेसनर करवाया जाए, लेकिन विंस ने साफ साफ ये चीज कही कि जो रॉ वाले हैं वो प्रॉपर्टी है यूएसए नेटवर्क वालों की और जो स्मैकडाउन वाले हैं वो प्रॉपर्टी है फॉक्स नेटवर्क वालों की। तो ऐसे में जो सुपरस्टार्स है वो एक दूसरे के ब्रांड्स में नहीं जा सकते और रे मिस्टीरियो स्मैकडाउन के अंदर नहीं आ सकता। इसके बाद दोस्तों पॉल हैमन कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हमारा बीस्ट खुद रॉ के अंदर जाएगा और देखते हैं कि कौन रोकता है। मैनेजमेंट इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती, अब ब्रॉक लेसनर रे मिस्टीरियो को नहीं छोड़ने वाला है। इसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि पॉल हैमन कहते हैं कि अब वो स्मैकडाउन को क्विट करने जा रहे हैं, और ये चीज कह के वो कुछ स्पेनिश में कहते हैं यानी कि धमकी देते हैं वहां रे मिस्टीरियो को कि हम आने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में एंड ऑल दैट, और वहां से चल देते हैं। जिसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि बैक स्टेज जो ब्रॉक लेसनर और पॉल हैमन है वो बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं और उन्हें देखते हुए ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स मंद मुस्कुरा रहे हैं, और जो मुस्कुराहट थी दोस्तों यही एक बड़े तूफान की सूचना थी क्योंकि अब थिंग्स काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाली थी। जिसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां दोस्तों फाइट होती है आपके बेली वर्सेस निकी क्रॉस के मध्य। ये फाइट ऐसी थी कि अचानक से बन गई और टाइटल के लिए फाइट थी, और फाइट होती है देखने को ये चीज मिलती है कि वहां साशा बैंक्स काफी ज्यादा इंटरफेरेंस करती है, जिसके चलते दोस्तों निकी क्रॉस इस मैच में विजय नहीं रह पाती है और बेली रिटेन कर जाती है। लेकिन दोस्तों शॉकिंग पल तो तब आ गया जब मैच खत्म हुआ और साशा के ऊपर हो गया अटैक, जो कि गया शेना बेजलर ने। शेना बेजलर दोस्तों एनएक्सटी चैंप है, और वो क्या करती है कि बाहर साशा को मारती है, उसके बाद रिंग में एंटर करती है और फिर बेली को जो वो कूटती है वो देखने वाली चीज थी। बेली को बिल्कुल वो डिस्ट्रॉय कर देती है और वहां अपने टाइटल्स को हाथों के ऊपर उठाती है। लोग चिल्लाते हैं एनएक्सटी एनएक्सटी, और गाइज यहां हमें पहला एनएक्सटी का रेसलर स्मैकडाउन में इन्वेड करते हुए नजर आया। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हमें देखने को मिली वो था दोस्तों बैकस्टेज सेमी जेन का प्रोमो। बैकस्टेज दोस्तों सेमी जेन क्या चीज बताते हैं कि शायद आज एनएक्सटी इन्विजन करने वाला है, और ये चीज कहनी थी दोस्तों उन्होंने ये चीज कह दी कि वो यानी कि स्मैकडाउन वाले तबाह करके रख देंगे एनएक्सटी को, कि तभी वहां दिखते हैं हमें मैट रीडल और आपके कीथ ली, और दोनों को देखकर दोस्तों सेमी जेन अपनी टोन बदल लेते हैं। वो कहते हैं कि वो एनएक्सटी के बहुत बड़े फैन हैं, एनएक्सटी से ही वो उपजे हुए हैं, और आज वो एनएक्सटी की ही टी शर्ट पहनकर लाए हुए थे कि वो अपनी टी शर्ट दिखाते हैं जो कि बिल्कुल ब्लैंक थी। और फिर सेमी कहती हैं कि शायद वो अपनी कार में भूल चुके हैं, जिसके बाद वो वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं और उनके पीछे भागते हैं कीथ ली और मैट रीडल। भागते भागते दोस्तों सेमी जेन आ जाते हैं रिंग के अंदर और उनके पीछे आ जाते हैं ब्रो यानी कि दोस्तों मैट रीडल और कीथ ली, जहां हमें ये चीज देखने को मिलती है कि सेमी जेन वहां मैट रीडल के चरणों में पड़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों मैट रीडल उनकी एक नहीं सुनते, उन्हें लगाते हैं अपना फिनिशर। उसके बाद दोस्तों कीथ ली जो कि लगभग 350 पाउंड के है वो लगाते हैं मिड रोप से मून सॉल्ट, जिसके चलते वहां सेमी जेन हो जाते हैं चित और लोग हो जाते हैं पागल। तो दोस्तों ये सेगमेंट भी काफी बढ़िया गया और यहां दोस्तों स्मैकडाउन के एक और सितारे की पिटाई हो गई।
इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला मिस टीवी। मिस टीवी के ऊपर दोस्तों इस बार जो गेस्ट होने थे वो फिंड होने थे, लेकिन फिंड भी यूएस तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे में दोस्तों हमें एक नया गेस्ट देखने को मिला। दरअसल द मिस रिंग में एंट्री करे और दोस्तों उन्हें ज्वाइन किए वहां टोमासो चैंपा। टोमासो चैंपा को देखकर दोस्तों ऑडियंस काफी ज्यादा खुश होगी। टोमासो चैंपा फॉर्मर एनएक्सटी चैंपियन है और एक तरीके के लूनाटिक है। वो दोस्तों रिंग के अंदर आए और वहां दोस्तों वो ये चीज कहते हैं द मिस को कि मिस तू बहुत बड़बड़ करता है और ये चीज सोचता है कि सारी दुनिया तेरे इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सोच तेरी गलत है। जिस पर दोस्तों दमीज ये चीज कहते हैं कि आज से 15 साल पहले जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए थे तो उस वक्त भी कुछ एक लोगों ने उन्हें यही चीज कही थी और वो सारे आज फेल है। जिस पर दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जो टोमासो चैंपा है वो उन्हें फाइट के लिए एक तरीके से इन्वाइट करते हैं, जिस पर दमीज उनकी बात को मान लेते हैं और फाइट हो जाती है स्टार्ट। तो गाइज यहाँ फाइट हुई, फाइट दोस्तों काफी बढ़िया थी। फाइट के अंदर हमें चीज देखने को मिलती है कि दोनों ही रेसलर्स अपने अपने मूव्स परफॉर्म करते हैं जो कि काफी बढ़िया थे, लेकिन अंत होता है दोस्तों फिर से एनएक्सटी रेसलर की जीत के द्वारा। एनएक्सटी रेसलर यानी कि टोमासो चैंपा इसके अंदर विजय रहते हैं, जहां दोस्तों वो अपना फिनिशर यानी कि फेरी टेल एंडिंग लगाते हैं द मिस को। द मिस दोस्तों पिन नहीं तोड़ पाते हैं और वहां दोस्तों टोमासो विजय रहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हमें देखने को मिली वो थी दोस्तों बैकस्टेज डेनियल ब्रायन और ट्रिपल एच का टकराव। तो बैकस्टेज दोस्तों डेनियल ब्रायन जो है वो टकरा जाते हैं ट्रिपल एच और शॉन माइकल से, जिस पर दोस्तों डेनियल ब्रायन सवाल कर देते हैं कि आखिर तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो। जिस पर दोस्तों ट्रिपल एच और शॉन माइकल से चीज कहते हैं कि हम तो भाई यहां घूमने आए हैं। जिस पर दोस्तों डेनियल ब्रायन कहते हैं कि ऐसा लग तो नहीं रहा, और अगर तुम्हें फाइट करनी है ट्रिपल एच तो तुम मुझसे कर सकते हो, क्यों ना आज मेरे और तुम्हारे मध्य फाइट हो जाए। यही कहना था कि लोग हो जाते हैं वहां पागल ये चीज को देख के, बट दोस्तों ट्रिपल एच वहां थोड़ा सा रुकते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे फाइट आज नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि तुमसे फाइट को काफी ज्यादा आमुक है। जिस पर हमें देखने को मिलता है कि वहां दिखते हैं एडम कोल जो कि एनएक्सटी चैंपियन है, और वो दोस्तों वहां डेनियल ब्रायन के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। डेनियल ब्रायन ये चीज कह देते हैं कि ये फाइट कोई आम फाइट नहीं होगी, ये होगी एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए। जिस पर दोस्तों एडम कोल उन पर हामी भर देते हैं, यानी कि उनकी बात पर वो हाँ कर देते हैं और फाइट बन जाती है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि ट्रिपल एच कन्फर्म कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हमें देखने को मिली वो थी दोस्तों बैकस्टेज डेना ब्रुक और कारमेला की पिटाई, जहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है सबसे पहले कि मैंडी रोज और सोनिया डेविल रिंग के अंदर एंट्री मारती है, जहां वो अपनी ओपोनेंट यानी कि कारमेला और डेना ब्रुक का इंतजार कर रही थी कि तभी बैकस्टेज ये चीज देखने को मिलती है कि बियांका ब्लेयर जो कि एनएक्सटी की तगड़ी रेसलर है वो पीट रही है आपकी डेना ब्रुक और कारमेला को, और वहां वो दोनों को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब दोस्तों जो सोनिया और मैंडी थी वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि उनकी ओपोनेंट कौन होगी, कि तभी वहां दोस्तों हमें एंट्री देखने को मिलती है रिया रिप्ले और टेगन नॉक्स की। दोनों दोस्तों एनएक्सटी की रेसलर है, दोनों रिंग के अंदर आती है और दोनों टीम्स के मध्य हमें एक तगड़ा मैच देखने को मिलता है। ये मैच काफी बढ़िया होता है, लेकिन दोस्तों इस मैच का अंत होता है रिया रिप्ले के सबमिशन के द्वारा, जहां दोस्तों मैंडी टैप आउट कर जाती है और फिर से दोस्तों एनएक्सटी की यहां जीत देखने को मिलती है। तो गाइज यहां फिर से एनएक्सटी ने परचम लहराया। बात कर लीजिए उसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो गाइज उसके बाद जो अगली थिंग हमें देखने को मिली वो थी दोस्तों ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स की एंट्री, जो कि रिंग साइड पर आकर खड़े होते हैं कि तभी दोस्तों वहां आ जाती है स्टेफनी मैकमैन, जहां सभी को लगता है कि स्टेफनी मैकमैन सपोर्ट करनी आई स्मैकडाउन को, लेकिन वो कुछ और ही कह जाती है। स्टेफनी कहती है कि जो क्राउन जोल के अंदर हुआ यानी कि लेसी वर्सेस नटालिया, वो सऊदी के इतिहास में काफी बड़ी थिंग है और महिलाओं के रेवोल्यूशन में काफी बड़ी उसकी भागीदारी रहेगी, जिस पर दोस्तों लोग तालियां बजाते हैं और वहां से वो चल देती है। तो गाइस यहां उनका रोल खत्म था और उसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है डेनियल ब्रायन वर्सेस एडम कोल के बीच में, जो कि मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था, जहां एनएक्सटी टाइटल दाव के ऊपर था। इस मैच के शुरुआती क्षणों में दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि डेनियल ब्रायन कितने बड़े सबमिशन स्पेशलिस्ट है, उनके सबमिशन दोस्तों वहां एडम कोल को लगभग अजमरा सा कर देते हैं, लेकिन एडम कोल दोस्तों अपने स्टेमिना के लिए जाने जाते हैं। एडम कोल दोस्तों मैच को अपने फिनिशर यानी कि दोस्तों लास्ट शॉट के जरिए जीतने में कामयाब रहते हैं और रिटेन कर जाते हैं।
यानी कि दोस्तों आखिरी मैच में भी एनएक्सटी विजय रहा और स्मैकडाउन हार गया। बात करी जाए उसके बाद क्या हुआ, तो गाइज उसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है कि ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स रिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं, जो कि दोस्तों वहां एडम कोल को कांग्रेचुलेट करते हैं, जिसके बाद लगभग सारा का सारा दोस्तों एनएक्सटी का रोस्टर वहां आ जाता है जहां दोस्तों लियो रश भी खड़े थे। उसके बाद दोस्तों ट्रिपल एच एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। ट्रिपल एच ये चीज कहते हैं कि सर्वाइवर सीरीज में एनएक्सटी रॉ स्मैकडाउन को टेक ऑन करने के लिए तैयार है, दम है तो आ जाओ, एनएक्सटी तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाला है रॉ स्मैकडाउन। यानी कि दोस्तों सर्वाइवर सीरीज की जो थीम रहेगी वो रहेगी रॉ एंड स्मैकडाउन वर्सेस एनएक्सटी। इसके बाद दोस्तों ट्रिपल एच ये चीज कहते हैं कि अगर हम भूल चुके हो, यानी कि ऑडियंस भूल चुके हो, तो याद दिलाना चाहते हैं कि वी आर एनएक्सटी, यानी कि वो एनएक्सटी है। और दोस्तों इसी के साथ स्मैकडाउन हो जाती है खत्म। वेल गाइस, अब स्मैकडाउन के अंदर हमें एनएक्सटी के सुपरस्टार्स ज्यादा देखने को मिले, तो एनएक्सटी ज्यादा लग रही थी लेकिन मैचेस की क्वालिटी काफी बेहतरीन थी। आज कई स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स नहीं आए, जिनका दुख हमें जरूर है, लेकिन दोस्तों स्मैकडाउन का जो शो था वो काफी बेहतर था। आपका क्या कहना है कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। बट आज की वीडियो इतनी, पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।